आशीष अभी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके की इस परिस्थितियों से निकाला जाए ताकि जो रिश्ते थे वो और ना बिगड़े आगे। नहीं बिल्कुल, ये सेंसिबल बात है जो आप कह रही हैं शरीन, और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव ने बाकायदा ट्वीट करके, अमूमन जनरली ओपाइन नहीं करती हैं सर्विस से रिटायर होने के बाद, बट उन्होंने भी लिखा है कि मालदीव्स जो है उसके साथ भारत का बड़ा इंट्रिकेट रिलेशन है। देखिए हमारा इमीडिएट नेबर है, हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपना घुसपैठ और भी ज़्यादा बढ़ा ले जिससे कि आगे चल के हमें कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न्स हो। लगातार मैंने देखा है कि एनएसए डोवाल साहब ने भी वहाँ दौरा किया और ज़्यादा क्लोजर कोऑपरेशन हिंदुस्तान बार बार कोशिश करता रहा मालदीव्स के साथ। मालदीव्स भी इक्वली रेसिप्रोक्रेट करता रहा था, लेकिन उनके जिस तरह से मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद जो ऑब्जेक्शनेबल डेरिगेटरी ट्वीट्स किए थे उसके बाद ये हालात बिगड़े। मालदीव्स आर सेल्व्स टू बी ब्लेम फॉर दिस, इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं। इंडिया ने सिर्फ इस मैटर को रेज किया डिप्लोमेटिकली और अपनी आपत्ति दर्ज कराई जिसके बाद वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, बट सुना और लेटर यस कोशिश यही होगी कि किसी तरह से दोबारा रिश्ते पटरी पर आए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। खुद मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो कि पहले से प्री स्केड्यूल्ड था शरीन, चाइना के विजिट पर एक हफ्ते के लिए पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेलिकेट डेज होंगे, जबकि भारत को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्थिति ना बिगड़े और बेहतर है कि दोबारा से रिश्ते सामान्य तौर पर पटरी पे आ जाएं। ठीक है आशीष, इस पर बात करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, मालदीव से तनाव के बीच चीन की एंट्री हुई है। ग्लोबल टाइम्स पर भारत को नसीहत दी है चीन ने, मालदीव को लेकर बड़ा दिल दिखाए दिल्ली, राष्ट्रपति के दौरे का मतलब प्रो चाइना नहीं है। तो ग्लोबल टाइम्स पर भारत को नसीहत चीन की तरफ से, ये कहते हुए कि इस मामले में दिल्ली बड़ा दिल दिखाए। अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं, क्या समझ आ रहा है इस बयान का, इस ग्लोबल टाइम्स में जिस तरीके से ये नसीहत दी जा रही है, क्या मतलब इसका? देखिए ये जो मतलब है शिरीन, वो एक सिलसिले की वानगी है, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। आप इंडो पैसिफिक में देखिए, जब भी ऐसा कोई इशू होता है, जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आती है, चाइना की पूरी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल एरिना में वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और ये जताने की कोशिश करे कि भारत की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ ऑफेंसिव नीतियाँ हैं, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मालदीव के सिलसिले में भी यही कवायद कर रहा है। और मैं एक बात आपको और बताऊँ, ये तय है, ये पहले से, इसमें दो राय नहीं कि जो मालदीव के राष्ट्रपति गए हैं उनकी ये विजिट पूर्व निर्धारित थी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट इस विजिट का एक, इसका जो असर है उसमें साफ तौर पर नजर आएगा। और चीन कितना बेल आउट कर पाएगा ये भी देखने वाली बात है। अगर भारत के साथ टसल बढ़ता है तो चीन की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि चीन के जो इंटरनल कंडीशन है, उनकी जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।